गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज का वीडियो बहुत यूजफुल होने वाला है हम सभी भाई बहनों के लिए। जितने यूट्यूबर है, एक नई खुशखबरी मिलेगी, सिर्फ एक कांटे का कमाल, आपको सालों साल खरीदना नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स से वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिए। नानी दादी रसोई में आप सभी का स्वागत है। तो चलते हैं, पहले टिप्स देख लेते हैं। एक छोटा सा कपड़ा लेना है, इसको हमें इस तरीके से कट कर देना है। अगर दोस्तों आपके घर में छोटे छोटे इस तरीके से कतरन हो तो उससे कुछ बनाना जरूर सीखे। तो इस तरीके से हमने कट कर लिया, ऊपर की साइड हमने थोड़ा सा नोक साइड का कट किया। इसके बाद इसको हम सियन दे देते हैं, क्योंकि हर घर में अब तो मशीन होना आवश्यक है। जिन जिन के घर में मशीन है उनके लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि एक से एक बढ़कर के आप अपने लिए, अपनों के लिए बना सकते हैं। और इधर दोस्तों करवा चौथ आ रहा है, तो अलग अलग कुर्ती है, ब्लाउज है, लहंगा है, ड्रेस में हम लगाएंगे। तो इस तरीके से हमने इसको सिल लिया है। अब सिल करके इसको हमें सीधा करना, तो आप समझ ही गए होंगे ये क्या बन रहा है। अब लेंगे इसमें एक डोरी, तो हमने ये डोरी लिए, आप इस कपड़े का भी बना सकते हैं, इसमें हमें ज्वाइंट कर देना है। ज्वाइंट हो गया। आप जो कपड़ा 3x3 का लिया या 4x4 का भी आप कट कर सकते हैं, और इसको हमें इस तरीके से थोड़ा सा इस एक साथ कर करके इसमें सिलाई दे देना है इस तरीके से। अब जो कपड़ा रखा था उसको हम मोड़ देंगे इस तरीके से, बीच बीच पकड़ करके दो कुन्ना मोड़ करके उसे हम कर लेंगे। अब हम ऊपर की साइड से सिलाई दे देंगे। तो दोस्तों ये हमारा लटकन एक बन करके रेडी हो गया। तो दोस्तों बहुत अच्छे से आप घर पर छोटे छोटे टुकड़ों से आप लटकन बनाना सीख सकते हैं। इसी तरीके से हमें दोनों बना लेना है। तो चलते हैं दोस्तों, ये हमारे दोनों बनकर के रेडी हो गए। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो अपने लिए जरूर बनाइएगा। अगला टिप्स देख लेते हैं दोस्तों। हम लेडीजों को हर काम करना ही करना पड़ता है, चाहे कितनी दिक्कत हो जाए, या फिर कोई हाथ में फिंगर में चोट लग गया हो, या कुछ भी हो, मगर खाना बनाना ही बनाना पड़ता है। तो दोस्तों अब बिना हाथ लगाए हम छोटी छोटी चीज़ों जैसे पकौड़े हैं और बहुत सी चीज़ें मंगौरे हैं, ये हम कैसे बनाएंगे? हाथ तो लगाना ही पड़ेगा। तो दोस्तों क्या करें, बड़ा टेंशन में हो जाता है, कोई हेल्प देने वाला भी नहीं है। तो इस तरीके से दोस्तों बहुत सी समस्या हो जाती है। तो चलते हैं, आज उस समस्या का छोटा सा सलूशन है, जिससे हमें हाथ भी नहीं लगाना पड़ेगा और हमारे जो पकौड़े हैं, गुलगुले हैं, वो हम आसानी से बना सकते हैं। पहले इसको हम फिक्स करेंगे। तो दोस्तों ये है मूंग दाल, और मूंग दाल के आज हम कुछ ऐसी चीज़ बनाने जा रहे हैं। तो पहले तो हम जैसे बेसन की फिलौरी बनाते हैं, उसी तरीके से हम इसको बनाएंगे। तो दोस्तों बिना हाथ लगाए बहुत आसान दोस्तों है। इस तरीके से चम्मच में लीजिएगा और इस तरीके से डालिएगा, जिससे आपके हाथों में कहीं चोट लगा है, घाव है, उसमें ये जलन नहीं होगी और बहुत आसानी से आप बना पाएंगे। तो हाँ, एक दोस्तों छोटा सा जुगाड़ काश आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरीके से आप ढेर सारा बना सकते हैं बिना हाथ लगाए। तो ये दोस्तों हमारे छोटे छोटे ये मंगौरे से बनकर के रेडी हो गया। इसकी आज हम बनाने जा रहे हैं मूंग दाल की एक ऐसी चटपटी सी सब्जी। तो दोस्तों बेसन की तो सभी लोग बनाते हैं, मगर आज हम मूंग दाल की बनाएंगे। तो आपके यहाँ क्या बोला जाता है वो हम लास्ट में बताएंगे, मेरे यहाँ उसे क्या बोला जाता। तो जी दोस्तों हमारे पकौड़े बन चुके हैं बिना हाथ लगाए। अब चलते हैं, बढ़ते हैं, आज हम ऐसी आपकी चीज़ बना करके दिखाएंगे। बहुत से लोग जानते हैं, बहुत से लोग नहीं जानते हैं, ये चीज़ उनके लिए है। तो दोस्तों जो मूंग दाल बची थी उसमें हमने थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी हल्दी डाल दी है, और इसको मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें डाल लेंगे छाछ, आधा छाछ डाल लेंगे। आधा छाछ डालने के बाद थोड़ा सा हम लेंगे इसमें जीरा, हींग और मेथी, कुटा हुआ जो हमने मिर्च डाला था वो इसमें भून देंगे। तो ये हमने चार चीज डाल दी, थोड़ी देर इसको भून लें। इसके बाद धना और गरम मसाला डाल देंगे, थोड़ा सा पानी डाल के
इसको इस तरीके से भून लेंगे। थोड़ी सी लाल मिर्च डाल लेंगे, इसको भी अच्छे से भून लेंगे। इसके बाद जो छाछ और वो मूंग दाल थी उसको हम इस तरीके से मिला करके डाल दें। इसको 5 से 6 मिनट जब तक ये गाढ़ा ना हो, जब तक इसके चलाने देना है। इसमें बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगती है तब, और इसमें पानी डाल देंगे, छाछ डाल देंगे, और इसमें कुछ नहीं, आप प्याज लहसुन डाल सकते हैं, आदमंगर था इसलिए मैंने नहीं डाला। तो दोस्तों ये एक करेल इसको बोल सकते हैं, कढ़ी बोल सकते हैं, ये बहुत स्वादिष्ट लगती है दोस्तों, एक बेसन से दुगनी अच्छी लगती है। तो इसे मेरे यहाँ करेल बोला जाता है, बेसन और मूंग दाल की कढ़ी भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों ये छोटी सी टिप्स थी, खास आपको अच्छी लगी होगी। अब चलते हैं दोस्तों, खास टिप्स है जो हम सभी भाई बहनों के लिए, क्या होता है जो स्टैंड होता है, ड्राई फ्रूट जो आप बोलते हैं। तो दोस्तों स्टैंड इस तरीके से क्या होता है, जो इसकी रिप्ट होती है ये ढीली हो जाती है या फिर मिस हो जाती है, तो हम क्या करें, हमें वीडियो तो बनाना ही बनाना है। तो चलते हैं दोस्तों, एक छोटा सा जुगाड़ है, इस तरीके से ये ऊपर नीचे खिसकती रहती है। जैसे इसको हम कसते हैं तो वो कस नहीं पाती क्योंकि उसकी रिप्ट हिरा गई है या फिर मिस हो गई। तो हमें क्या करना, ऊपर की साइड जितनी रॉड आपको खींचना है, स्टैंड लगाना है, वहाँ हमें क्या करना है, जी कांटा लेना है, और जहाँ नीचे जी रिप्ट लगी उसी जगह हमें इसे फिट करना है। बस आपको समझ में आ रहा होगा, फिक्स कर लेके अब ये हमारा बिल्कुल नीचे खिसकेगा नहीं, और आसानी से हम अपना काम चला पाएंगे। अगर इसे हम सालों साल इसी तरीके से चलाएंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा, हमारे पैसे वेस्ट में नहीं जाएंगे। इस जगह लगाना है, आप देख सकते हैं जहाँ ये रिप्ट लगी है ज्वाइंट, वही हमें लगाना है, और ऊपर नहीं लगाना है, नहीं आपका मोबाइल भी बेकार हो जाएगा, गिर जाएगा। तो ये ढीली हो गई है दोस्तों, इस तरीके से आप यहाँ ये जो कांटा लगा हुआ आट आउट होता रहेगा। तो दोस्तों और हम आपको अच्छे से बता दें, जो ये है रिप्ट ये ढीली हो जाती है, इसके कारण ये रॉड है जो ऊपर करते हैं जैसे ही नीचे सरक के आ जाती है, और वही हमें कांटा लगा देना है या मोबाइल रख देना है, जितना आपको रखना है टेबल में ऊंचाई उतना कर लेना है। तो दोस्तों इस तरीके से आप करेंगे तो बहुत अच्छे से आप इसको सालों साल चला सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगले नए वीडियो, तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे।